ज्वालामुखी की दिव्य ज्योतियों के दर्शन करने पहुंचे ध्वाला ने मंदिर में आए स्थानीय श्रद्धालुओं से बात की और उन्हें नववर्ष की बधाई दी। साथ ही मंत्री पद को लेकर रमेश ध्वाला ने बड़ा बयान भी दिया है। ध्वाला ने कहा कि मां ज्वाला ने सेवा करने का मौका दिया है। ध्वाला बोले, पर्यटन की दृष्टि से मां ज्वालामुखी का नक्शा हिंदुस्तान के मानचित्र पर होगा। जल्द ही अकबर की नहर का जीर्णोद्धार होगा और मंदिर की पहाड़ी पर बनेगी मां की विशाल मूर्ति। मां चिंतपूर्णी मंदिर से भी इस विशाल मूर्ति के दर्शन होंगे। ज्वालामुखी मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नववर्ष शुरू हुआ है, इसकी प्रदेश और ज्वालामुखी की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि नववर्ष सभी को मंगलमय हो और अपने जीवन में भी सभी बुलंदियों पर जाए। इस दौरान रमेश ध्वाला ने पुलिस और मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि मंत्री पद किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है, इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं मंदिर में इसलिए आया हूँ कि मेरे अंदर आस्था है। हम धार्मिक लोग हैं, इसीलिए मैं मंदिर आया हूँ। देखते हैं माँ का आशीर्वाद मिलेगा या जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा। उन्होंने कहा कि माँ ज्वाला ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है, इसीलिए वह इस मंदिर को हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट।